दोस्तों नमस्कार, आरथीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। हम हैं ग्राम डिकाना, डिस्ट्रिक्ट बागपत। यहाँ पर अभी इलेक्शन हुए थे कुछ महीने पहले, और जो जीते हुए प्रत्याशी है वो है यशवीर सिंह जी। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं और विकास के मुद्दों पर बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका स्वागत है पहले तो हमारे चैनल में, और आपको बधाई है सर प्रधान पद के लिए। धन्यवाद सर। आपका नाम बताइए। मेरा नाम चौधरी यशवीर सिंह तोमर। चौधरी यशवीर सिंह तोमर जी, ग्राम प्रधान डिकाना जी, ग्राम प्रधान डिकाना, डिस्ट्रिक्ट बागपत। डिस्ट्रिक्ट बागपत सर जी, इलेक्शन पहला है, इससे पहले भी कोई इलेक्शन लड़ा? इससे पहले लड़े थे 10 साल पहले। 10 साल पहले क्या हुआ था सर? हार गए थे। 10 साल बाद फिर मन में कैसे आ गया? 10 साल बाद फिर गांव की सेवा की सर। गांव की सेवा के लिए या राजनीति के लिए? नहीं, गांव की सेवा के लिए, राजनीति के लिए भी। जी, आगे जाने का मकसद है? हाँ, सोच तो रहे। चलिए ठीक है सर, तो उसका रास्ता सर समाज सेवा से ही जाएगा? हाँ, समाज सेवा से। जी बिल्कुल सर। अभी आपको सबसे जरूरी काम जो गांव वालों की लग रहा है, विकास की पहली सीढ़ी आप किस पायदान पर रखना चाहते हैं अपने? शिक्षा के उस पर। शिक्षा पहला आप? शिक्षा स्तर सबसे बड़ी होना चाहिए जी। अभी स्थिति क्या है, कितने सरकारी स्कूल है गांव में? हमारे गांव में 2 सरकारी स्कूल है। कौन सी क्लास तक है सर? 8वीं तक है। उनकी स्थिति कैसी है सर? स्थिति बढ़िया है, पढ़ाई भी अच्छी करते हैं। पढ़ाई भी अच्छी है, स्थिति भी ठीक है गाँव की। सर क्या कोशिश की जा सकती है उन्हें 10th या 12th तक करने की? कोशिश है हमारी एक इंटर कॉलेज, कन्या इंटर कॉलेज जो हमारे गांव में गुरुकुल है। अच्छा जी। उस गुरुकुल को हमारी कोशिश है कि कन्या इंटर कॉलेज हो जाए, गुरुकुल कन्या इंटर कॉलेज। ये कोशिश होगी या उम्मीद है कि ये काम हो जाएगा? उम्मीद है पूरी हो जाएगा जी। उम्मीद है पूरी हो जाएगा। चलिए सर, शिक्षा से रिलेटेड एक अलग क्वेश्चन है सर। इस बार हमारे नौजवानों की डिमांड लाइब्रेरी की भी है ज़्यादातर गाँव में, कि आपके गांव में भी इसकी डिमांड है? हमारा काम पंचायत घर में स्टार्ट हो रहा है जी, उसकी मरम्मत कार्य करा रहे हैं, उस पर ऊपर हॉल बनवा के उसमें लाइब्रेरी का विकास के एजेंडे में है। लाइब्रेरी हाँ, आपके विकास के एजेंडे में? तो चलिए, हमारी कार्य योजना भी है जी लाइब्रेरी। तो ग्राम पंचायत में भी आ जाते हैं, ग्राम पंचायत का दफ्तर है? हाँ जी, वो रेडी हो रहा है। हाँ, उसमें काम चल रहा है। पहले नहीं था? पहले भी था जी उसके, लेकिन स्थिति खराब थी। स्थिति खराब थी, अब ये स्थिति जो बनेगी 5 साल रहेगी अब? हाँ जी, 5 साल पूरी रहेगी। हम तो कोशिश करेंगे आगे भी जो आवे वो उसको सुचारू रूप से चल जाता रहे। चलिए, हो सके आगे भी आप ही आए फिर, अगर आप विकास के कार्य इतने अच्छे कराएंगे। अगर हमें 6 काम करेंगे तो आएंगे, अगर खराब करेंगे तो कोई नहीं आएगा सर। डेफिनेटली सर, गांव में शमशान घाट की क्या पोजीशन है? ज्यादातर गाँव में बेकार। हमारे यहाँ जो आज की स्थिति है शमशान घाट की, बेहद खराब है जी। आपके यहाँ नहीं सर, 98% गाँव में ये। अब जेक जिला पंचायत से शमशान घाट हमारा पास है जी, उसे देख रहे, देखो 2-4 दिन में शुरू कर दे या नहीं करे, क्यों ठेकेदार इन शमशान घाट को बनाते नहीं, जब से वो मुरादनगर केस हुआ। लेकिन सर अगर चीज़ सही लगाएंगे तो फिर दिक्कत क्या है? चीज़ सही तो लगाएंगे, लेकिन दिक्कत ये है सबसे बड़ी, कमीशन खोरी। हाँ जी, कमीशन खोरी में ये सही बनाएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, और वैसा बना नहीं सकते। तो सर तो फिर कैसे होगा, उसके बीच का रास्ता क्या निकालोगे? उसके बीच का रास्ता ही हमने उसे रुकावा, 50,000 रुपये का तुझे नुकसान है वो हम देंगे अपने। हम देंगे, लेकिन चीज़ अच्छी बनी चीज़ अच्छी होनी चाहिए आगे, ताकि काम आ सके लोग। हाँ। चलिए सर, क्या कब्रिस्तान की भी नीड है गांव में? कब्रिस्तान की भी, इसकी शमशान घाट की ना कोई 4 दीवारी है ना कुछ है। आपकी शासनकाल में हो जाएगी? हाँ जी, हम ये सोच रहे 4 दीवारी भी हो, उसमें जो शमशान घाट है उनमें इंटरलॉकिंग हो, पानी की सुविधा हो, बैठने की सुविधा हो, टीन शेड हो, है ना? कोई पानी की सुविधा नहीं, ना टीन शेड है, कुछ भी नहीं। अब हो जाएगा सर? हाँ, कोशिश तो है। गांव वालों को अच्छा बेहतर शमशान घाट मिलेगा? हाँ जी। चलिए सर, कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र? हाँ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। उसकी स्थिति कैसी है? उसकी अभी शुरुआत नहीं करी, उनकी पढ़ने तैयार हो रही है। अभी नहीं था? पहले नहीं था। अच्छा, आप ही बनवा रहे हो? हाँ जी। तो पहले सर यहाँ जो पेशेंट वगैरह वो कहाँ जाते थे? पेशेंट वगैरह सब बड़ोद जा रहे थे, बड़ोदा इसकी मरम्मत कराई, लेकिन यहाँ से डॉक्टरी कोई व्यवस्था नहीं, एक गांव की है वो बेचारी, वो बैठे है, लेकिन चाहिए तो गवर्नमेंट। अब जब आगे शुरू हो जाएगा तब क्या आप किसी डॉक्टर का इंतजाम भी करवाएंगे यहाँ पर? कोशिश है जी, डॉक्टर का इंतजाम होना चाहिए। होना चाहिए, और आपकी कोशिश होगी कि वो हो फिर। पानी की निकासी को लेकर क्या सुविधा है? पानी की निकासी हमारे यहाँ से एक तालाब है जी, तालाब से जो उसमें ज़्यादा घास फूस खड़ा उसकी सफाई की हुआ है, उसकी सफाई कराई जा। हमारे यहाँ तालाब से नाले जुड़े हुए हैं जी, नालों की सफाई हमने करा दी, जिससे कि गांव में भरा जल भरा हुआ। तो निकासी का उचित प्रबंध हो जाएगा कहने का? हाँ, निकासी का उचित प्रबंध है। इसी से रिलेटेड तक तालाब आ जाते हैं। हाँ जी।
तालाबों की स्थिति कैसी है? अक्सर गांव में खराब है। तालाबों की स्थिति तो 99% खराब है। खराब है सर, हर गांव जहां 16 बीघा का तालाब है वहां 5 बीघा का तालाब है, मतलब अतिक्रमण हो चुका है। सारे पर अतिक्रमण हो चुका है। अब जो बचा है क्या उसका सौंदर्यकरण होगा? हाँ, उसका कोशिश करें सौंदर्यकरण हो, उसकी बाउंड्री हो जाए, वहाँ कुछ पेड़ पौधे लग जाए ताकि आगे कटाव ना किया। हाँ जी, कोशिश तो है, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर भी तो है जी, गवर्नमेंट इतना पैसा देगी या नहीं देगी। सर लेकिन इस बार ना गांव के प्रधानों को पैसा दिया जा रहा है सौंदर्यकरण के। हाँ दे रहे जी, हमने इसमें एक पार्क की व्यवस्था कर रहे हैं, पार्क बनाया जा रहा है जी जी, चौधरी चरण सिंह के नाम से जी जी, उस पार्क की शुरुआत। यानी कि बेहतरीन स्थिति में इस बार तालाब मिलेगा गाँव वालों को और वो आगे रहेगा फिर। हाँ जी। सर पेंशन कितनी है गांव में, क्या सभी की बन चुकी है या बनवाएंगे अब आप? 5% बुजुर्गों की पेंशन है बस, कुल 5% विधवाओं की तो 1-2% है ना, बाकी किसी विधवा की कोई पेंशन नहीं ना किसी बुजुर्ग की पेंशन, बहुत कम। अब सर आपका राज, अब कोशिश ये है, हम ये सोचते हैं या जो एक तरीका होगी इससे इनके फार्म लेने शुरू करेंगे, फार्म भरवाए जाएंगे, विधवा पेंशन भी जो वृद्ध पेंशन है वृद्ध पेंशन होगी, अब सभी की हो जाएगी। हाँ जी, कोई नहीं बचेगा, कोशिश ये करेंगे 99%। और जिसने आपको वोट नहीं दिया उसका भी काम करेंगे, उसका भी करेंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव तो करना भी नहीं चाहिए जी। करेक्ट, जो पात्र है उनकी सभी की पेंशन बनेगी, विधवा है वृद्ध है। हाँ, पात्र की सभी की बनेगी, सभी की बनेगी। चलिए सर, सर गांव में कुछ छोटा तबका होता है जिनके अपने घर नहीं होते, ये हर गांव की एक समस्या है, घर है तो छतें नहीं है, क्या उस ओर कोई कदम होगा हमारे प्रधान जी का? उस पर कदम ये है जी, मान लिया कुछ ऐसे है, मान लिया एक बाप के चार बच्चे हैं और वे अलग अलग हो जाए, दो पर मकान आ जाए, दो पर खाली जगह आ जाए, वो तो हर साल नए मकानों की डिमांड रहे, लेकिन अब कई साल से गाँवों में गवर्नमेंट ने मकान नहीं दिए, नगर निगम को दे दिए, नगर पंचायत को दे दिए, लेकिन गाँवों को नहीं दिए, गाँव को नहीं दिए। तो इन्हें करना चाहिए गवर्नमेंट को, गाँवों में भी मकान की व्यवस्था दे, तो कुछ छत जर्जर है, मैंने छत की किसी की क्रेडिट ड्यूटी किसी का हो तो गवर्नमेंट को उनका समाधान करना चाहिए, उनके लिए कुछ वो देना चाहिए, बस इनकी छत खराब होगी। गरीब आदमी, उम्मीद की जा सकती है कि उस पर कुछ कदम उठाया जाएगा आपकी तरफ से, कुछ कोशिशें की जाएगी? कोशिश करेंगे जी, पूरी कोशिशें पूरी की जाएगी। सर हर इस बार गाँव में खेल के मैदान को लेकर हर नौजवान की डिमांड है, हर गाँव में हाँ जी, हम भी कोशिश ये चाह रहे हैं भाई खेल का मैदान बने, खेल का मैदान बने, LMC है उसके लिए, उसके लिए है एक जगह, लेकिन उसे एक किसान जो रहा है। अच्छा, हम ये चाह रहे हैं चलो वो राजीनामा छोड़ दे, उसमें खेल मैदान बन जाए। अगर 1% ऐसा नहीं होता फिर कैसे होगा? नहीं होता तो कोई इसके ग्राम पंचायत के पास कोई जमीन जमीन उसके ऑप्शन में कुछ प्रधान जहाँ LMC नहीं है, नहीं बन पा रहा है, वहाँ पर छोटा सा ओपन जिम बनवा कर दे रहे हैं, वो छोटी जगह में। हमारे यहाँ करीब 7-8 बिस्से का एक स्कूल का नंबर है जी, हम उसका भराव भरवा के उसमें ओपन जिम बना कराऊंगे। हाँ, मतलब एक ऑप्शन तो खेल का भी हो जाएगा, उसका वो भी हो जाएगा। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए आपने प्रधान जी की बातें सुनी, शमशान घाट को लेकर, कब्रिस्तान, नालिया, साफ सफाई, तालाब, पेंशन, और जिनके घर नहीं है उनके घर की भी बात हुई है। सभी बातों पर हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे उनसे भी हम इसके बारे में बात करेंगे। सर पानी के बारे में थोड़ा और देखिए, पानी की क्या व्यवस्था है, सरकारी नलकूप है कि नहीं है? सरकारी नलकूप है, लेकिन इस बार सरकारी नलकूप में वाटर लेवल नीचे जाने की वजह से जी उनमें सभी की मरम्मत कराई गई जी, जिसमें किसी में 6 डंडे थे, किसी में 7, उसमें 2-2, 3-3 डंडे पड़वाए गए, लेकिन उनमें अब नीचे जाने की कोई समस्या यह है, उनमें 8 या 9 डंडे नीचे जाते हैं, उससे ज़्यादा 2 इंची वो है नीचे नहीं जा पाते, तो अभी हम उनको दोबारा से दूसरे जो नल है, ऐसी स्थिति है जहाँ पानी नहीं है, उनको रिबोर कराऊंगे जल्दी। वो अब 5 साल पानी आता रहेगा उन नालों से, जैसे नल खराब पड़े रहते हैं? नहीं, नल खराब है जो उनकी मरम्मत कराई है, और जो जिनमें पानी है ही नहीं, जिनमें कोई खराब हो गया, पानी खराब है उनको रिबोर कराया जाएगा, आगे मेंटेन रहेगा, मेंटेन रहेगा। जो पानी की टंकी हमारे गाँव में है, पूरे गाँव में उसका पानी नहीं जा पाता, 40% गाँव में पानी जा रहा है जी, तो हमारा मकसद है, हमने दूसरी पाइपलाइन बिछवानी शुरू कर दी ताकि सभी को शुद्ध जल मिल सके, जिससे कि पूरे गांव में पानी जा हर आदमी को मिले। देखिए प्रधान जी की तमाम कोशिशें विकास की ओर एक कदम है जो ये बढ़ाना चाहते हैं, इनकी हर संभव कोशिश होगी, अगर प्रशासन का साथ मिलता है तो जो भी मुद्दे इनके सामने हैं, जो भी मुद्दे गाँव वालों के हैं, जिन मुद्दों पर इन्हें वोट दिया गया है, गाँव वाले क्या चाहते हैं? विकास, और उसकी भरपूर कोशिश की जाएगी कि विकास के काम किए जाए।
हम यहाँ कुछ ग्रामवासी हमारे साथ भी बैठे हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो प्रधान जी से क्या चाहते हैं, क्या उनकी अपेक्षाएं हैं। यहाँ पर कुछ हमारे बुजुर्ग, कुछ हमारे दोस्त, कुछ छोटे बच्चे भी हैं, बात कर लेते हैं उनसे। सर नमस्कार, आपका नाम क्या है जी? रामपाल। रामपाल जी, आपने अपने प्रधान जी जो चुने हैं, हाँ। क्या सोचकर चुने हैं, क्या उम्मीद लेके बैठे आप उनसे? ठीक काम करें, उम्मीद है आपको? हाँ। करेंगे काम? काम करेंगे। चलिए सर नमस्कार, आपका नाम क्या है? तेजवीर सिंह। तेजवीर जी, हाँ जी। आपकी क्या अपेक्षा है अपने प्रधान जी से? प्रधान जी की आए जी, अच्छे काम करें, अच्छे काम करें, गांव का विकास करें, हाँ जी। ये चाहते हैं आप? हाँ जी। सर नमस्कार, आपका नाम? इकबाल जी। इकबाल जी, आप क्या चाहते हैं प्रधान जी? चाहते हैं अच्छा काम करें और सबका भला करें, बढ़िया है जी। जिसने वोट ला दी उनका भी काम करवा कर उसका भी करवा जी। सही बात है। सर नमस्कार। नमस्ते। सर आपका नाम? भारत। आपने किन मुद्दों पर सर को वोट दिया है, क्या आपको लगता है वो सब बातें पूरी की जाएंगी? हाँ, जितनी भी कोशिश होगी, हर आदमी को खुश रखने की कोशिश करी जाएगी, जो जरूरी काम है सारे के सारे काम करे जाएंगे। तो आपको उम्मीद है वो सभी काम करेंगे पूरे प्रधान जी? तो बिना प्रधान बने भी काम जितना भी हुआ, इतनी कोशिश करी आगे आने वाले टाइम में। अब तो प्रधान बन गए तो फिर तो बहुत ही बढ़िया काम करेंगे। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। सर नमस्कार, सर आपका नाम बताइए। जितेंद्र जी, बाकी लोगों ने जो कहा है कि आप इत्तेफाक रखते हैं, प्रधान जी ऐसा काम करेंगे, विकास कार्य को पूरा करेंगे, विकास कार्य पूरा करेंगे, कुछ स्पेशल काम जो आप प्रधान जी से चाहते हो गांव वालों के लिए? स्पेशल तो है ये खेल मैदान बन जाए बच्चों के लिए, शिक्षा में ज्यादा हो रहा है जी, खेल का मैदान और शिक्षा में चाहते है, काम जरूर होना चाहिए जी। सर सर नमस्कार, सर आपकी चाहत अपने प्रधान जी से क्या है कि ये काम गांव में जरूर होना चाहिए? हमारी चाहत जो है प्रधान जी से पूरी पूरी है, विकास कार्य करेगा, सब के ठीक अपने हिसाब से, जिसने वोट दिया या नहीं दिया सबको एक समान देखेगा। दिल की तमन्ना पूरी हो जाएगी, दिल की तमन्ना पूरी करेगा जी, पूरे गांव की। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए आपने बातें सुनी है सबकी, सबकी दिली तमन्ना है कि विकास के कार्य हो, और इन्हें लग रहा है कि होंगे। चलिए हमें भी लग रहा है अभी तो, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये कार्य कितने पूरे होंगे और किनको अंजाम तक पहुंचा जाएगा। तब तक के लिए हम आपसे लेंगे इजाजत। RTF न्यूज से मैं राज, और कैमरे पर हमेशा गौरव कुमार।